अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज जी हम इस तड़के में बना रहे हैं खोया खीर। खोया खीर बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए 1.5 लीटर दूध। मैंने यहाँ पे पैकेट वाला लिया है, आप खुला भी यूज़ कर सकते हैं। और 1.5 कप मैंने यहाँ पे बासमती राइस लिया था, ठीक है। इसको 1 घंटा पहले मैंने भिगो दिया था और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गए हैं। अगर हम इसको फिंगर से भी तोड़ेंगे ना तो ये टूट जाएंगे, ठीक है। ये हमने चावल भिगो लिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 टोस्ट लिए थे रस्क, ये इस तरह का था ना, 2 लिए थे। और इसका ना मैंने पाउडर बना लिया था, ये मैंने सिर्फ दिखाने के लिए रखा है। हमें पाउडर चाहिए इसका खीर में डालने के लिए। 1/3 कप हमें चीनी चाहिए। आप अपने टेस्ट के हिसाब से देख लीजिएगा, अगर आप कम खाते हैं ज़्यादा खाते हैं तो आप अपने हिसाब से बैलेंस कर लीजिएगा, लेकिन मेरे लिए ये इतनी परफेक्ट है। ये चीज़ें चाहिए जी हमें खीर बनाने के लिए। चलें जी अब रेसिपी की तरफ चलते हैं जी। अब खीर बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने एक पतीला लिया है, उसमें ना 1.5 कप हमने पानी डालना है। पानी डालने से होगा क्या, इसकी बड़ी मज़े की बात यह है कि दूध जो है ना वो चिपकता नहीं है पतीले में। वैसे आपस की बात है, अगर जब दूध चिपकता है ना पतीले में तो जो ब्राउन ब्राउन सी उसकी एक लेयर आती है ना, उसको खुरच के खाने में मज़ा ज़्यादा लगता है। लेकिन इससे ख़तरा ये होता है कि वो जो टेस्ट जो होता है ना जले हुए का, वो खीर में आने का उसका डर होता है। तो इसलिए हम सेफ साइड खेलेंगे, इसलिए मैंने पानी डाला है। और अब जी इसमें मैं 1.5 लीटर दूध डालती हूँ और फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। और अब बारी आती है इसमें दूध शामिल करने की। जी हमने दूध डाल दिया, मैं दूध डालती हूँ फिर वापस आती हूँ। ये देखें जी हमने पतीले में दूध डाल दिया है। अब हमें इसको इतना पकाना है कि दूध जो है ना वो अच्छी तरह से बॉयल हो जाए, ठीक है। जब ये बॉयल होता है फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें जी दूध हमारा अच्छी तरह से बॉयल हो चुका है। और अब हमें क्या करना है कि जो चावल थे ना इसको इस तरह से ना हाथों से अच्छी तरह से चूरा करके डालना। इसको ग्राइंडर में बिल्कुल भी नहीं पीसना, अगर इसको ग्राइंडर में पीस देंगे ना तो वो खीर नहीं बनती है, फिर नहीं बन जाती है। इस तरह से इसको हाथों से तोड़ना है। और अब इस पॉइंट पर हमने जो चावल का चूरा किया था ना हाथों से, ये सारे चावल हम डाल देंगे इसमें। ये जी हमने चावल डाल दिया। अब बारी आती है इसमें इलायची पाउडर डालने की। ये हमने इलायची पाउडर डाल दिया और जो रस का पाउडर था ना वो भी हम डाल देंगे और इसको मिक्स करेंगे। अब हमें क्या करना है, इसको 20 मिनट तक ना मीडियम फ्लेम पर पकाते रहना है और स्टिरिंग करते रहना है। जब बॉईल आ जाए तो हम फ्लेम मीडियम टू लो कर देंगे, लेकिन जब तक बॉईल नहीं आता तब तक हम क्या करेंगे, इसको 20 मिनट तक पकाएंगे। इसको हम पकाते हैं। चलें जी अब मैं आप लोगों को बताती हूँ खीर के लिए खोया बनाना, क्योंकि खोया खीर है तो उसके लिए खोया तो चाहिए होगा, और वो भी मैं आप लोगों को घर में बनाना सिखाऊंगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून घी लिया था, आप बटर भी ले सकते हैं। उसके बाद इसमें 1/4 कप दूध डालेंगे। ये जी हमने 1/4 कप दूध डाल दिया। और 1.5 कप मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर जो है ना वो आपका मीठा नहीं होना चाहिए, नीडो ले लीजिएगा, वो अनस्वीटेंड होता है। इसको हम मिक्स करेंगे। ये जी हमने इसको मिक्स कर दिया। इतनी कोई मज़े की खीर बनती है ना, आप इसको बनाएंगे ना एक दफ़ा सारी खीरों को भूल जाएंगे। बंस रोड की जो मशहूर खीर होती है ना उस तक को भूल जाएंगे आप लोग, और दुआएँ देंगे मुझे। ये देखें कितनी अच्छी तरह से इसमें डिज़ोल्व हो गया। इसको हम मिक्स करेंगे। फ्लेम मीडियम रखनी है, ज़्यादा हाई नहीं करनी है वरना मिल्क पाउडर जल जाएगा। बस कुछ भी नहीं करना है, इसको मिलाते रहना है। और इसको तब तक पकाना है जब तक ये एक दूसरे से ना टुगेदर ना हो जाए, ठीक है। ये जब टुगेदर होता है फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और खोया बनाते वक्त ना अगर आप एक चूल्हे पर खीर पक रही है तो उसके साथ भी स्पून चलाते रहना है, ना इसमें रोकना है स्पून ना उसमें रोकना है, दोनों हाथ है ना उसका इस्तेमाल करना है, ठीक है। खीर को ऐसे नहीं छोड़ना, उससे हेलो हाई करनी है हमें, वरना वो जल जाएगी नीचे से। एक हाथ से इसको चलाएंगे, एक हाथ से खीर को चलाएंगे। ये देखें जी ये खोया हमारा बिल्कुल बनकर रेडी है, और इसको टुगेदर होने में ना हार्डली 5 मिनट्स लगे होंगे। और ये देखें बिल्कुल भी नहीं बिखर रहा, एक साथ बिल्कुल टुगेदर होते हैं, ठीक है। इसका चूल्हा हम बंद करते हैं और तब तक मैं आपको दोबारा अपनी खीर की तरफ लेकर चलूँगी। ये देखें जी हमारी खीर को पकते हुए 20 मिनट हो गए हैं, और अब इसकी कंसिस्टेंसी ना कुछ इस तरह से हो गई है, यानी काफ़ी रिड्यूस हो गया है।
मैंने क्या किया था, जब ये हम इसको पका रहे थे ना, इसके बीच मैंने एक स्पून रख दिया था, कोई सा भी आप रख लें, लकड़ी का, सिलिकॉन का या स्टील का। उससे होगा क्या कि दूध जो होता है ना वो बहुत जल्दी रिड्यूस हो जाता है, और बॉयल एकदम जो ऊपर आता है ना उसको भी रोक देता है। बड़े बेनिफिट्स हैं इसके, आप लोग तो ज़रा ट्राई करके देखिएगा। अब जी हमें क्या करना है, जिसमें चावल दिख रहे हैं ना इसको साइड पे लगाना है। ये जी हमने चावल साइड पे लगा और इसको ना इस तरह से घोटना है। इसी तरह से करते रहेंगे, चावलों को साइड पे लगाएंगे और इसको घोटेंगे। इसको हमने तोड़ के इसी वजह से डाला था ताकि इसको घोटने में आसानी भी, वाला जो काम होता है ना, मुझे सबसे नफरत है इससे, बहुत बहुत मेहनत होती है इसमें। इस तरह से हमने इसकी घुटाई करनी है और फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें जी, हमने खीर की अच्छी तरह से घुटाई कर ली है। बड़ी कोई मेहनत लगी थी इसमें, बहुत ज़्यादा। ठीक है, अच्छी तरह से इसकी घुटाई के बाद इसमें 1/3 कप हमने यहाँ पे चीनी शामिल कर दी, और चीनी डालने के बाद हम इसको पकाएंगे। मैंने 1/3 कप मैंने चीनी ली थी, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। क्योंकि मेरे घर में तो, अगर मैं, मेरी मम्मा कहती हैं इतना कम मीठा रखा है, मेरे पापा कहते हैं इतना मीठा रख दिया, तो इसलिए मैं मीडियम रखती हूँ। ठीक है, इसको हमने पकाने मीडियम फ्लेम पर, तब तक पकाने जब तक इसमें जो बॉयल की चीटें नहीं आती, तब तक पकाने के। चीनी डालने के बाद खीर और पतली हो जाती है और पानी भी छोड़ती है, तो इसीलिए उस मॉइस्चर को हमने ड्राई करना है। इसीलिए देखें जी, इसमें बॉयल आ चुका है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो मैंने खोया बनाना सिखाया था ना आपको, ये सारा हमें खोया डालना है। और फ्लेम बिल्कुल मीडियम टू लो करनी है और इसको मिक्स करना है। ध्यान से मिक्स करिएगा, कभी कुछ ना बन जाए इसकी। खोया डालने के बाद इसको सिर्फ 1 मिनट तक पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना। ये जी हमने इसको मिक्स कर दिया। आप लोगों ने देखा ना, इसमें क्रीम डाली ना कंडेंस मिल्क, ये इन दोनों चीज़ों के बगैर ही इतनी क्रीमी बनेगी। ये हो गई मिक्स, चूल्हे को करते हैं बंद और इसको मैं अब आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। लग रही है ना बिल्कुल क्रीमी क्रीमी, रिच रिच। देखा, मेरे तरीके से बनाएंगे ना, दुआएं देंगे मुझे। चलें जी, अब हम खीर को डिश आउट करते हैं। ये जी हमने इसको डिश आउट कर दिया, और मैं एंड पे ना आपको पतीला भी दिखाऊंगी कि बिल्कुल भी नहीं लगी है खीर मुझे। सही है, देखा, बिल्कुल घी नहीं लगी, और थोड़ा सा हम पतीले में ही रहने देंगे चाटने के लिए, क्योंकि जब खीर बनती है तो पतीला चाटना तो ज़रूरी होता है। अब मैं आपको इसको डेकोरेट करके भी दिखाती हूँ, और अब बारी आती है इसको डेकोरेट करने की। ये मैंने चांदी का वर्क लिया, ये हम इसके ऊपर लगा देंगे। ये जी हमने वर्क लगा दिया, ये मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि आज मेरी नानू की बरसी थी ना, और वो इस तरह से वर्क लगाती थी, इसीलिए इस पर मैंने भी वर्क लगाया है। और साइड्स में हम इसमें ऑलमंड्स रख देंगे स्लाइस्ड। ये देखें जी, ये है हमारी खीर की फाइनल लुक। अभी हम क्या करते हैं, मैंने ना इसको रूम टेम्परेचर पर आने के लिए छोड़ा है, उसके बाद मैं इसको फ्रीज़र में रखूँगी तकरीबन 1/2 घंटे के लिए। इसको ज़बरदस्त है ना, चिल्ड करके खाएंगे हम इसको। मैं फ्रिज में रखती हूँ और फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें जी, मैंने खीर को फ्रिज से निकाल लिया है, बिल्कुल 1 घंटे में ना बिल्कुल ये ठंडी हो गई है, चिल्ड। अब ना मैं आप लोग को इसको निकाल के दिखाती हूँ। ये देखें, बिल्कुल क्रीमी। इसको निकालते हैं और मैं आपको इसका रिव्यू करवा के भी बताऊंगी। इसी तरह से निकालेंगे,